हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग को 13 सितंबर को पूछे गए इंजीनियरिंग ड्राइंग में फ्री हैंड स्केच का फर्स्ट क्वेश्चन का ए नंबर बनाने की प्रक्रिया को बता रहा हूं। ए नंबर है फ्लैट हेड रिवेट। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं वो क्वेश्चन स्क्रीन पर आ रहा है। सर्वप्रथम हम स्केल लेते हैं। स्केल लेकर के सबसे पहले इसको 90 डिग्री पर रख करके एक सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। सेंटर लाइन रेशियो 5:1 होता है, उस रेशियो में इसको हम पहले सेंटर लाइन ले लेते हैं। इसके बाद हम हॉरिजॉन्टल करके, यानी कि इसको हम 0 डिग्री पे ला करके हम ये देखिए स्केल को हम हॉरिजॉन्टल कर लिए। और हॉरिजॉन्टल करने के बाद इसमें देखिए ऊपर का हेड के हम बराबर बराबर भागों में बांट करके दोनों तरफ से ये जो नाप है बराबर नाप ले लेंगे। अभी हम डीप नहीं करेंगे, फर्स्ट टाइम में इसे डीप नहीं करेंगे, पहले हल्के स्केल से इसको पहले हल्के पेंसिल से इसको बना लेंगे। अब देखिए दो लाइन हम खींचते हैं, इसमें दोनों पैरेलल लाइन होगा। और पैरेलल लाइन खींचने के पश्चात अब इस सेंटर लाइन से देखिए दोनों साइड से हम इसको मिला लेंगे। पहले ये मिलाइए, इधर से भी इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद क्या करना है, दोनों साइड समान दूरी लेकर के वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के लिए समान दूरी पर इसको हम पहले नाप लेंगे। डाल ले लेते हैं। ये दाग ले लिए हम। दाग लेने के बाद आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करेंगे थोड़ा सा हट के, ओरिजिनल लाइन से थोड़ा सा हट करके एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किए। इसी प्रकार की ये वर्टिकल लाइन यहां भी ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए यहां भी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लिए। इसकी मोटाई थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। यहां पे थोड़ा सा कर्व करेंगे। और इधर भी अब ये हमारा बन गया फ्लैट हेड रिवेट। इसकी लंबाई को हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक निश्चित लंबाई को दिखाने के लिए इसको हम इस शेप में डालें। अब इसको आप डिप कर देते हैं। आप इसको डिप कर लीजिए, विशेष कर लो बढ़ जाए। अब देखिए इसके कॉलर को इसके साथ मिला देते हैं। अब मिलाने के बाद इसको मिलाने के बाद अब वर्टिकल लाइन खींच देंगे। 90 डिग्री में रख करके वर्टिकल लाइन को डार्क कर रहे हैं। यहां भी इधर से भी वर्टिकल लाइन को डार्क कर देंगे। अब फिर इसको हम मिला देंगे।
इसको सेक्शन कर दिए। ये हमारा हो गया फ्लैट हेड। अब फ्लैट हेड में आप चाहें तो थोड़ा सा इसमें शेडिंग वगैरह कर सकते हैं, जब समय मिले आपको तो आप थोड़ा शेडिंग भी डाल सकते हैं। आपको अगर समय मिले तब, नहीं मिले तो ऐसे ही जमा कर देंगे। और इसमें थोड़ा सा क्योंकि गोला है इसलिए इसमें आप हल्का लाइन डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा खिंचता करके वर्टिकल लाइन को दिखा देंगे। इधर से भी कुछ लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी कि ये शेडिंग है एक प्रकार का। आपको वक्त मिले तो आप शेडिंग कर सकते हैं, वरना नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन शेडिंग करने से इसका लुक थोड़ा बढ़ेगा। पहले बड़ा उसके बाद छोटा, इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें डायमेंशनिंग कर दीजिए। ये इसका मेजरमेंट है जो कि आप किस साइज का, थोड़ा सा कम होगा। हेड का क्या नाप है और फ्लैट हेड जो है उसका क्या नाप है वो दर्शा देंगे। नाप है वो डिमांड के अनुसार है, जहां जितना जरूरत है उतना का हम हेड लेंगे। अभी इसको हम दिखा रहे हैं, डायमेंशन दिखाएंगे। अगर ये डी है, यहां से यहां तक का, इस यहां का डायमेंशन, ये देखिए ये डायमेंशन दिखा रहे हैं यहां से स्क्रीन पे जो पानी गिर रहा है कुछ। और ये हमारा डी हो गया। दिखाना है और ये हो जाएगा 2D, जस्ट इसका डबल। इसमें भी एरोहेड डाल देंगे दोनों साइड, ये हो जाएगा 2D। और इसका लेंथ शो करने के लिए इसका लेंथ दिखाएंगे। इसमें भी एरो दिखाएंगे, ये लेंथ जो है, ये डबल एरो का मतलब है कि इसकी लंबाई बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ। ये लेंथ हो गया। और ये जो है 0.25D
डी। इस प्रकार हम इसको दिखा दर्शाते हैं, ये डी हो गया, ये टू डी हो गया, इसका जस्ट डबल हेड हो गया। अब इस प्रकार इसमें इसका नाम है फ्लैट हेड रिवेट। ये हो गया फ्लैट हेड रिवेट। ये फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर वन का ए है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी है, इसी में क्वेश्चन नंबर वन का बी, वो है बटन हेड रिवेट। तो बटन हेड रिवेट ऑलरेडी हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। आंसर नंबर बी को हम जो बनाए थे उसे हम दिखा रहे हैं, आप इसे नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं खोल करके। अब किस प्रकार बनाए हैं ये देखिए, पहले कि वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ किए, इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर हेड डाल दिए। ये देखिए हेड डाल रहे हैं, हेड डालने के बाद अब ये हेड डाल दिए इस प्रकार। देखिए इसको नीचे का भाग जो है इसको थोड़ा सा टेपर कर दिए जो कि होल में अच्छी तरह से जा सके और रिवेट करना आसान हो जाए। इस प्रकार ये हम कंप्लीट कर की हैं, जिसे आप आसानी से देख करके बना सकते हैं। और इसके नामांकन जितने भी सभी सभी पार्ट के भाग को मैं लिख दिया हूं, इसे आप देखें और भली भांति से बना लें। इस प्रकार मेरा ये भी डिबेट कंप्लीट हुआ, डिबेट क्वेश्चन नंबर वन का ए और बी कंप्लीट हो गया। आप इसे देखें और बनाएं। चलिए आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।